आज जिस मुकाम पर हम पहुंचे हैं ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक लंबा सफ़र हमने तय किया है। सफ़र में बहुत सारी अड़चने भी आई। अब तमाम लोगों के सामने जनता टीवी आज एक आवाज़, एक ताकत के तौर पर तो है, लेकिन चुनौतियां हमारे लिए भी कम नहीं थी। हम चाहेंगे कि आज आप हमारे सफ़र को भी देखें कि हमने किस रास्ते से आगे बढ़कर आज किस मुकाम को हासिल किया है। एक सफ़र जो जनता टीवी का उस समय This is showtime. 7 p.m. run, prepare. PCR, run activate. Activation got. 3, 2, 1, roll PCR. PCR rolling. Stand by. Out, take, kill. कुछ आँखें सपने देखती हैं, कुछ सपने जुनूनी होते हैं, कुछ जुनूनी जिद्दी होते हैं, कुछ जिद्दी कर गुजरना चाहते हैं, कुछ कर गुजरने वाले आवाज बनते हैं, कुछ आवाजें इनकलाब लाती हैं, कुछ इनकलाबी दुनिया को जगाते हैं, क्योंकि कुछ जागने वाली आंखें सपने देखती हैं। बेस्ट रीजनल न्यूज चैनल जनता टीवी। जनता टीवी महज न्यूज चैनल नहीं बल्कि आवाज है आम आदमी की, जिसके गुमनाम दर्द और शोर को यहाँ बाबुलंद आवाज में तब्दीली मिली। और जनता टीवी का लक्ष्य ना सिर्फ नंबर वन की होड़ में बने रहना और ना सिर्फ टीआरपी की होड़ के लिए काम करना, बल्कि सच को सामने लाना, यही हमारा उद्देश्य है। जनता टीवी एक नाम नहीं, व्यवस्था से संग्राम है। एक आवाज जो कहती है कि ये सूरत बदलनी तो चाहिए। एक अपील जो कहती है उठो और उठाओ हक की आवाज। एक भरोसा जो कहता है हम हैं आपकी अपनी आवाज। जनता टीवी की शुरुआत कई सवालों के बीच हुई। सवाल कहना इसलिए भी सटीक होगा क्योंकि इतने चैनलों की भीड़ के बीच बड़ा सवाल यही था कि हम क्या खास करने वाले हैं, जनता हमें क्यों देखेगी, क्या भीड़ जुटाने के लिए हम भी छोटी बात को बड़ा बवाल बनाकर या झूठे सच्चे रहस्यों और भूत प्रेत की कहानियों का सहारा लेंगे। जवाब था नहीं। चैनलों की इस भीड़ में जनता टीवी अपने सिद्धांतों के साथ उतरा। हमने दिया आम आदमी को वो मंच जहां वो खुलकर अपनी बात रख भी सकता था और खुद अपने हुक्मरानों से सवाल भी कर सकता था। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सर्विस करता था, मेरा जरा से लड़ाई झगड़े में रिमूवल हुआ, इतनी मैंने गुहार लगाई, मुझे दिलासा दिलाई, मैं केस आपका कंसीडर कर रहा हूँ, आज तक कंसीडर नहीं हुआ। हमारे वार्ड में 10 साल से गंदा पानी आ रहा है, उसके पास जब पब्लिक समस्या लेके गए अपनी तो कहते हैं आरो लगवा लो अपने घर में, ये गरीब आदमी आरो कहाँ से लगवा लेंगे। हमारे लिए तो सब कुछ बहुत है, तू क्या है ना ठंडी में, हम ही तो है एक बच्चे जो देश का भविष्य है। अब देश हमें नहीं आ रहा है बचाने के लिए तो है ना देश क्या गलेगी। अब है ना जनता टीवी अपने विचारों में सदा से उन्मुक्त रहा है, शायद इसलिए भी क्योंकि चैनल रहते हुए भी ये एक जीवंत पुरुष की भांति अपने सिद्धांतों पर टिका रहा। हमने खबरों को मुहिम के तौर पर चलाया, उसे सिर्फ उठाया नहीं, डंके की चोट पर बार बार व्यवस्था को झकझोरने का भी काम किया। फिर महकमा चाहे कोई भी हो, कोई भी अधिकारी, नेता, मंत्री या किसी की भी सरकार रही हो, अपनी बेबाकी, सच को सच बताने की हिम्मत और जुझारू रवैये ने चैनल के सामने कई बार चुनौतियां खड़ी की। साल 2013 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, पूरे प्रदेश में
जनता टीवी का प्रसारण रातों रात बंद कर दिया गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मुंह दबोचकर बंद करने की कोशिश हुई और इसकी गूंज दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक सुनाई दी और इतिहास ने एक बार फिर से खुद को दोहराया। सच से बैर रखने वाली ताकतों को आखिरकार झुकना पड़ा। विजय एक बार फिर से सत्य की हुई। जनता टीवी एक नए उमंग, नए तरंग, नए जोश के साथ एक बार फिर और भी ज्यादा जुझारू बनकर खड़ा हुआ। पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों और निष्पक्षता का अघोषित संकल्प लिए हम हमेशा बढ़ते रहे। चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, जरूरत पड़ने पर जनता के सरोकारों को लेकर हमने हमेशा तत्कालीन सरकारों के समक्ष सवाल खड़े किए। SYL का मुद्दा, हरियाणा सरकार की परेशानियां बढ़ाते हुए ये दोनों ही मुद्दे नजर आ रहे हैं। पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। फील्ड में हमारे समर्पित रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर आपके हितों की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं। ये वही है जो सूचनाओं की भीड़ से खबरें भी ढूंढ निकालते हैं और सूचनाओं के शोर शराबे में आपकी सिसकियों को भी सुन लिया करते हैं, क्योंकि हम इस हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। और हम ये वादा आपसे करते हैं कि आगे आने वाले सफर में हम इसी तरीके का जज्बा, इसी तरह के हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और आपकी आवाज बनकर, आपकी ताकत बनकर जो अभी तक हम पेश आए हैं, सामने आए हैं, ये जज्बा आगे भी हमारा बरकरार रहेगा। बिल्कुल, और हमेशा सच की ही जीत होगी। खैर, अब वक्त है आगे बढ़ने का और अब हम आज की शाम के सभी तीन की स्पीकर्स को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे, उनसे मुखातिब होना चाहेंगे, उनको रूबरू करवाना चाहेंगे। सबसे पहले तो एक बार जोरदार तालियां। सबसे पहले हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे आज की शाम के की स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र सारवाल को, जो कि HOD है कार्डियोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में। लेकिन उनके यहाँ पहुंचने से पहले एक नजर डालेंगे उनके अब तक के सफर पर। आज के दौर में हमारी दिल की धक धक ही हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है। हमारे लिए न इसका जरूरत से ज्यादा धड़कना अच्छा है और न जरूरत से कम। दिल की इन्हीं समस्याओं को समझने और उसका इलाज करने में महारत हासिल की है मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली के डॉक्टर वीरेंद्र सरवाल ने। डॉक्टर वीरेंद्र सरवाल मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में कार्डियोवैस्कुलर और थोरासिक सर्जरी के हेड होने के साथ ही संस्थापक भी हैं। इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से MBBS की डिग्री हासिल की। इन्होंने कार्डियक सर्जरी में अपने करियर की शुरुआत 1992 में एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर नई दिल्ली और बत्रा हॉस्पिटल से बतौर अटेंडिंग कार्डियक सर्जन की। इसके बाद वापस PGI आकर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया और PGI में न्यू कार्डियक सेंटर को प्रोग्राम और डिजाइन किया। देश के नामी गिरामी अस्पतालों के मुख्य पदों पर भी डॉक्टर सरवाल ने काम करने के साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई। इन्होंने कई रेयरेस्ट केसेस को भी संभाला है जिनके ऑपरेशन को विदेश के डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था। इनके इन्हीं कार्यों के लिए इन्हें 2009 में हेल्थ एंड एजुकेशन एसोसिएशन की तरफ से भारतीय चिकित्सक गौरव सम्मान और अमेरिकन बिब्लियोग्राफिकल इंस्टीट्यूट की ओर से हेल्थ प्रोफेशनल ऑफ ईयर 2009 के अवार्ड से नवाजा गया। जोर से तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर वीरेंद्र सारवाल सर का। सर प्लीज स्टेज पर आइए। और आज वीरेंद्र सारवाल सर आप लोगों से मुखातिब होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। वीरेंद्र सारवाल सर जो तमाम देश के लोग इस वक्त चैनल को देख रहे हैं उनसे मुखातिब होंगे और उन तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे सर। और थोड़े ही वक्त में डॉक्टर वीरेंद्र सारवाल तमाम लोगों तक और खासतौर पर यहाँ जो डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं या फिर घर में जो लोग इस वक्त TV पे देख रहे हैं वो भी समझ सकेंगे कि किन किन किस किस तरह से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। सर प्लीज ओवर टू यू।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं जनता टीवी और उनके सीईओ मिस्टर दीपक अरोड़ा जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस समारोह में सम्मानित होने के लिए एक आमंत्रित किया, और उससे ज़्यादा मैं गौरव महसूस करता हूँ कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हरियाणा मिस्टर अनिल विज जी के हाथों द्वारा मेरे को सम्मानित किया जाए। हेल्थ और एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य एक सोसाइटी के दो बहुत बड़े पिलर होते हैं, और उसमें गवर्नमेंट का और डॉक्टर्स का, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत रोल होता है कि उसको हम एक जिम्मेदारी से, एक समझदारी से और एक साफ तरीके से उसको संभालें। आज की शाम मैं कुछ समय आपसे लूँगा, अपने विचार आपसे शेयर करने का हार्ट के बारे में, क्योंकि मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ कि हार्ट की बीमारियाँ इतनी क्रिटिकल और इतनी ज़्यादा उभर के क्यों आ रही हैं आज तक, और उसके रीजंस क्या हैं, हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और दुनिया में उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हार्ट एक हमारे शरीर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसमें जो अगर हार्ट स्वस्थ रहता है तभी हमारी बाकी शरीर, हमारी बॉडी काम कर सकती है, जो कि हमारी सोसाइटी, हमारी पर्सनल, अपनी फैमिली के लिए हम उसको यूज़फुल तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक आज की डेट में हार्ट डिजीज़ स्पेशली हमारे इंडिया में 2030 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी जो एक सर्वे किया गया है, ये सबसे ज़्यादा एक बढ़ के बीमारी भयानक रूप में आने वाली है। और आज के डेट में, अभी आपने एक दो महीने पहले अगर ट्रिब्यून में पढ़ा हो, हार्ट डिजीज़ से जो डेथ्स होती हैं वो एक नंबर वन, हार्ट डिजीज़ हैज़ बिकम ए नंबर वन किलर। पहले जो इससे था एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स में सबसे ज़्यादा जाने जाती थी, बट आज की डेट में हार्ट की बीमारियों करके ज़्यादा जाने जाती हैं, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है ये एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है शरीर का, उससे ताल्लुक़ रखती है। एक जो मानना है हमारी सोसाइटी में या हमारी फैमिलीज़ में, कि जब हम 40 या 50 साल की उम्र में होते हैं तब हम सोचना शुरू करते हैं कि हम उस उम्र में हैं और हमें हार्ट की बीमारी ना हो जाए, इसलिए हम अपना कुछ ख्याल कर लें। सो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो अभी गाइडलाइंस निकाली हैं, ये एक धारणा, एक बड़ी गलत धारणा है, बिकॉज हार्ट की जो बीमारियाँ हैं वो ये नहीं है कि दो साल में या साल में पैदा हो जाती हैं, एक लंबे टाइम से ये बीमारी पनपती आ रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक लाइफस्टाइल डिज़ीज़ है। जब मैं लाइफस्टाइल डिज़ीज़ बोलता हूँ, उसमें आता है कि हमारा गलत खाना पीना, हमारी सेडेंटरी लाइफ, स्ट्रेस, जो हमारा फैमिली का स्ट्रेस है, प्रोफेशनल स्ट्रेस है, उसको हम किसी तरीके से हम उसको सह नहीं पाते या शेयर नहीं कर पाते, उन चीज़ों करके हमारे हार्ट पर असर पड़ता है। तो अमेरिका में और वर्ल्ड में जो रिसर्च हो रही है उसके मुताबिक ये नहीं कि हम 50 साल की या 40 साल की उम्र में आके सोचना शुरू करें कि हम हार्ट की बीमारियों को बचाएं। उनका ये मानना है कि हमें इन बीमारियों को बचाने के लिए 20 साल की उम्र से ही अपने बच्चों को या उस एज में उन बच्चों को गाइड या काउंसिल करना शुरू करना चाहिए, ताकि बीमारी ना पनपे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो एज है जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, जिसमें कैलोरीज बहुत होती हैं, उसको बहुत शौक हो जाता है, और बच्चे बार बार दिन में 3-4 और एक्स्ट्रा कैलोरीज बनती जाती हैं। और दूसरा, आज की डेट में कंप्यूटर की का युग है, कंप्यूटर गेम्स और आउटडोर गेम्स बिल्कुल बंद हो गई हैं, घर में ही बैठ के, सोफे पे बैठ के आप कंप्यूटर गेम्स खेलते, तो आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। सेकेंड, जो इस 20 साल की उम्र में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उभर के आती है कि हम स्कूल से कॉलेज की तरफ जाते हैं, उस टाइम पर थोड़ा हमें खुलापन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, और बच्चे एक स्मोकिंग की हैबिट फ्रेंड सर्कल से या उसमें एक वो पकड़ लेते हैं। स्मोकिंग एक हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा एक ख़राब आदत है, और मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी, और जो जब भी हम ऐसे संस्थान में मिलते हैं, हमेशा कहता हूँ कि 10-20 परांठे से जितना नुकसान होता है उतना एक सिगरेट से हो जाता है। जो निकोटीन है सिगरेट में, वो अंदर की लाइनिंग जो है, नाड़ियाँ, हार्ट की नाड़ियाँ, उसको रफ़ कर देती है, और वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। सो ऐसे ही 30 साल पे हमें, जैसे फीमेल्स हैं, चाइल्ड बेरिंग एज होती है, बच्चे के बाद एक शरीर में वज़न बढ़ता है,
बट वो सारी चीज़ें देख के हमें एक हिम्मत करनी चाहिए कि अगर वज़न बढ़ा है तो हमने उसको कैसे लूज़ करना है। सो 40s पे हमें अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारा कुछ पता होना चाहिए, स्पेशली हमारे अगर घर में अगर कोई फैमिली डिजीज़ है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और इसके साथ साथ खान पीन के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि जो हमने खाया है उसको एक खर्च करना या स्पेंड करना, उसके लिए एक रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि हमने जाके जिम में बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी है। एनी काइंड ऑफ जो भी कोई लाइट एक्सरसाइज, जैसे एरोबिक्स हैं, सिंपल वॉकिंग, 45 मिनट की या 40 मिनट की, आप हफ्ते में 5 दिन भी अगर सैर करने की आदत एक डाल लें तो आपका शरीर काफ़ी तंदुरुस्त रहता है। उसके अलावा और सारे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्विमिंग है, साइकिलिंग है, एरोबिक्स है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को, आपके आपने जो खा पी रहे हैं उसको अच्छे से पचा पाती हैं और बॉडी को फिट रखती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस के लिए आजकल योगा है, मेडिटेशन है, अगर हम इन चीज़ों को अपनाएं अपने लाइफस्टाइल में, सुबह उठ के 10-15 मिनट लगाएं, तो ये हमारे सेहत को और हार्ट को बड़ा तंदुरुस्त रखती हैं। सो ये एक लाइफस्टाइल, बिकॉज जो भी हम इसका इलाज करते हैं, चाहे वो एंजियोप्लास्टी है और या बाईपास सर्जरी है, ये एक पैलिएटिव ट्रीटमेंट है। जब मैं पैलिएटिव कहता हूँ, मैं इसको क्योर नहीं कर पाता, क्योंकि ये मेटाबॉलिक है। बॉडी में जो कुछ पैदा हो रहा है वो पैदा होता रहेगा, उसका कोई तरीका नहीं है कि हम उसको ठीक कर सकें। हम एक नया रास्ता बनाते हैं या रुके हुए रास्ते को खोल देते हैं। सो दीज आर दो जो हमारे पास दो तरीके हैं इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, या हम दवाइयों से इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर है, ये एक जो रिस्क फैक्टर्स हम हार्ट डिजीज़ के देखते हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, अनकंट्रोल्ड ड्रिंकिंग है, अल्कोहल जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में लेते हैं, हमारा फैटी एसिड, आज के समय में बच्चों के लिए जंक फूड बहुत ज़्यादा उनको बहुत अट्रैक्ट करता है, बट वो बहुत सबसे ख़राब चीज़ है बॉडी में। और एक बारी हम उसको रेगुलर अगर बेसिस पे लेना शुरू कर दें तो वो धीरे 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 बाद में वो हार्ट डिजीज़ में तब्दील हो जाती है। दूसरा जो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करने बताना चाहूँगा कि अगर हमारे शरीर में या हमें किसी आदमी को हार्ट की बीमारी हो भी जाती है तो आज की डेट में कोई उसमें घबराने वाली या उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आज से अगर हम 30 साल पहले सोचें तो इस देश में शायद इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। और मैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब का, मिस्टर अनिल विज जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे को पता चला है हरियाणा में उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 3-4 कैथ लैब लाई हैं, जिसमें बहुत सस्ते रेट पे वो ट्रीटमेंट जो एंजियोप्लास्टी है, एंजियोग्राफी है, सब लोगों के लिए उन्होंने मुहैया कराई हैं। वो एक बहुत बड़ा एक स्टेप है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, और ऐसे और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट और आगे आए। और क्योंकि ये इसमें इस जो टेक्नोलॉजी है ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, इसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए होती है। सो जो मैं कह रहा था कि अगर बाय चांस किसी को पता भी चलता है कि ये बीमारी है मेरे के लिए, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आजकल जो टेस्ट हैं, पहले तो सिंपल TMT और इको टेस्ट है, उसके बाद अगर उसमें कुछ बाय चांस निकलता है तो वन कैन डू एंजियोग्राफी, और एंजियोग्राफी से हमें 100% पता चल जाता है कि हार्ट में कितनी बीमारी है, उसका क्या करना है, दवाइयों पर रहना है, एंजियोप्लास्टी करनी है या बाईपास करना है। और अगर हम उस इलाज को देखें, एंजियोप्लास्टी और बाईपास दोनों ही बहुत आजकल की डेट में बहुत डिवेलप हो गए हैं। जो पहले हम हार्ट को रोकते थे आधा घंटा वो बाईपास करते थे, वो आज की डेट में बीटिंग हार्ट पे शुरू हो गया है। जो पेशेंट है वो 4th या 5th दिन अपने घर चला जाता है और 15 दिन के बाद अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाता है और 6 हफ्ते के बाद अपने काम करना शुरू कर देता है। हमने मैक्स में 2 नई टेक्निक्स लाई हैं, एक दूरबीन से हम वेन निकालना शुरू किया है, एक छोटे रास्ते से लेफ्ट साइड से, बजाय कि सेंटर में काटने की बजाय साइड से हमने सर्जरी करनी शुरू की है। उसका एडवांटेज यंग पॉपुलेशन के लिए, जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो चाहते हैं कि हम अपने काम पर जल्दी जाएँ, तो वो 15 दिन के बाद अपने काम पर जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा एक कहता हूँ एज ए डॉक्टर, कि हमें कबूतर की तरह बिल्ली को देख के आँखें नहीं बंद करनी चाहिए अगर हमें हार्ट डिजीज़ होती है। जितना जल्दी हम उसको ढूंढ लेंगे, जितना जल्दी हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे और उसका इलाज करा लेंगे, उतना ही स्वस्थ जीवन हम आगे के लिए, उतना ही लंबा जीवन आगे के लिए हम अपने लिए ले पाएंगे। सो आज की शाम में मैं यही ख़त्म करूँगा कि हार्ट की जो बीमारियाँ हैं उसको ट्रीट करने के तरीके बहुत अच्छे हैं, और जो लास्ट 10 साल से उभर के आया है बाईपास सर्जरी, जिससे सब लोग डरते हैं क्योंकि सर्जरी के नाम सुनते ही सब लोग डरना शुरू कर देते हैं, बट
लास्ट 10 ईयर से जो रिसर्च हो रही है उसमें उभर के आया कि बाईपास सर्जरी ही एक हार्ट की बीमारियों का लंबा और फ़ायदेमंद इलाज है। और टेक्नोलॉजी जो मैंने बताया इतनी इम्प्रूव हो गई है कि उसमें अब लंबे समय के लिए बिस्तर पर लेटना या घर पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं एक बार फिर जनता टीवी और उनके सीईओ मिस्टर दीपक रोड़ा और अनिल विजय जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को एक मौका दिया ताकि मैं इस बात में आपसे शेयर कर सकूँ। और अपने सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इतना तय है कि आपसे हम लोगों का पिज्ज़ा और बर्गर बंद है, क्योंकि सर की बातों को सुनने के बाद अब शायद ही कोई उस ओर उसका ध्यान जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे दूसरे की स्पीकर को, डॉक्टर सचिन गुप्ता जी, जो कि एचओडी हैं ऑनकोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में। लेकिन यहाँ आने से पहले एक नजर डालेंगे उनके सफर पर। बेशक हिंदुस्तान ने आज अंतरिक्ष को अकेले अपने दम पर जीत लिया हो, लेकिन आज भी भारत में लोग जैसे ही कैंसर का नाम सुनते हैं तो उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं और उन्हें लगता है कि ये एक असाध्य बीमारी है। लेकिन आज के दौर में देश में सचिन गुप्ता जैसे कई डॉक्टर मौजूद हैं जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी का इलाज खोज निकाला है। डॉक्टर सचिन गुप्ता मेडिकल ऑन्कोलॉजी के सभी पहलुओं में दक्ष हैं। वो चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति से वाकिफ हैं और इसके साथ ही टारगेटेड कीमोथेरेपी की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। डॉक्टर सचिन गुप्ता ने मेडिकल ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट को आर्टेमिस हॉस्पिटल और मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल में स्थापित कराने में अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर गुप्ता अपने डिपार्टमेंट की एकेडमिक गतिविधियों में काफी सक्रिय रहते हैं। डॉक्टर गुप्ता एक युवा आइकन के रूप में हैं, जिनसे युवा डॉक्टर्स अपने काम के प्रति समर्पण और ईमानदारी सीखते हैं। वो कई अनुसंधान प्रोटोकॉल्स में भी शामिल रह चुके हैं और उनके नाम कई प्रकाशनों का श्रेय भी है। 2009 में नई दिल्ली में डॉक्टर गुप्ता को इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी ने प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से नवाजा था। 2011 अक्टूबर में डॉक्टर गुप्ता मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली में स्थानांतरित हुए, जहां इन्होंने मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू किया। डॉक्टर गुप्ता के पास यूरोपियन हेमेटोलॉजी एसोसिएशन, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, इंडियन कोऑपरेटिव ऑन्कोलॉजी नेटवर्क एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल एंड पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी की प्रोफेशनल मेंबरशिप भी है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर सचिन गुप्ता जी का। या गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले तो मैं जनता टीवी और मिस्टर दीपक अरोड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आए हुए सारे उपस्थित मुख्य मेहमान श्री अनिल विज जी, ज्ञानचंद जी और डॉक्टर दोस्तों, भाइयों बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये मौका मिला कि आपके सामने मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर सकूं। सो कैंसर एक बहुत ही इमोशनल विषय है। जैसे डॉक्टर अभी सारवाल ने बताया कि कार्डियोवास्कुलर जो बीमारियां हैं वो दुनिया में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में नंबर वन किलर हैं, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में कैंसर नंबर टू किलर है। और इसके बारे में जानना, इसके बारे में सोसाइटी का ध्यान आकर्षित करना और इसके लिए कुछ करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि बाकी बीमारियों से बहुत डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि जब कैंसर का डायग्नोज होता है फैमिली में तो एकदम से एक मातम की, एक भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कैंसर सबको डरा देता है और जब किसी फैमिली में कैंसर का डायग्नोज होता है तो उस फैमिली को ना सिर्फ उस बीमारी से जूझना पड़ता है बट एक सोशली, फाइनेंशियली, मेंटली एक बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है और सारी फैमिली इसके स्ट्रेस के अंडर आ जाती है। तो मैं जो 10 मिनटों में कुछ ये बताना चाहूँगा कि कैंसर क्यों है, इसके क्या कारण हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट हैं और इसके बियॉन्ड क्या है। सो कैंसर मोस्टली तो हम सब जानते हैं कि कैंसर अपने शरीर के खुद के ही सेल्स हैं, ये बाहर से नहीं आए। कैंसर के सेल्स हमारे अंदर से ही पैदा हो रहे हैं। कुछ सेल्स
डिवाइड करना शुरू करते हैं और हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो रक्षा करने वाले सेल्स हैं, उन कैंसर सेल्स को ख़त्म नहीं कर पाते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी नहीं काम करेगी, इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, तो इन कैंसर सेल्स को समय मिलता है, उनको चांस मिल जाता है बढ़ने का, और बढ़कर और एक गुच्छा बन जाता है, एक टिश्यू का मास बन जाता है, और यही सेल्स किसी एक अंग से शुरू होकर बाकी शरीर के बाकी अंगों में स्प्रेड कर सकते हैं, जिसको कि हम मैलिग्नेंट या मेटास्टेटिक कैंसर बोलते हैं, या फिर कहते हैं कि स्प्रेड हो गया या स्टेज फोर हो गया। सो कैंसर को, किसी भी कैंसर को अगर हम अर्ली स्टेज में इलाज करते हैं तो उसका क्योर संभव है, उसको जड़ से मिटाना संभव होता है स्टेज वन एंड टू में। और यही कैंसर अगर स्प्रेड कर जाए, तीसरी चौथी स्टेज में पहुंच जाए, तो इसको पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करना मुश्किल रहता है। सो कैंसर के कई रिस्क फैक्टर्स हैं। एक तो बढ़ती एज के साथ कैंसर ज़्यादा हो सकता है। एक स्मोकिंग और तंबाकू का इस्तेमाल बहुत ही एक मुख्य कारण है हमारे देश में। न्यूट्रिशन है, उसमें अच्छे से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, नट्स, इनका सही मिश्रण ना होना। अगर हम बहुत जंक फूड लेते रहेंगे, भारी मात्रा में शुगर और हाई कैलोरी खाना लेते रहेंगे, तो मोटापा और इस तरह की बीमारियां जो हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, नॉट ओनली कैंसर बट अपना डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, सारी ये ज़्यादा हो सकती हैं। और जो हमारी हवा और पानी दूषित हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत है, फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इतने केमिकल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यही केमिकल्स, इसी में हम सांस ले रहे हैं, वही पानी पी रहे हैं, और उसी पानी से हमारे खेतों की सिंचाई हो रही है, तो हमारे खाने में भी वही चीज़ें आ रही हैं। तो एज ए सोसाइटी हमें ये एफर्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी और हम लोगों की तरफ से भी, कि हम इन चीज़ों के केमिकल्स के इस्तेमाल को बंद करें और ऑर्गेनिक सामग्री को अपनाएं। अगर कैंसर को जल्दी पकड़ें, सो अर्ली डायग्नोसिस इज की टू क्योर। अर्ली डायग्नोसिस कैसे हो सकता है? अगर हम उसके लक्षणों को जल्दी पहचानेंगे। लक्षणों को जल्दी कैसे पहचान सकते हैं? कुछ तो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, कई कैंसर ऐसे हैं जिसमें जल्दी अगर हम उसको, इसके लिए कुछ सिंपल टेस्ट कर लें, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए महिलाएं खुद ही अपने स्तन की जांच कर सकती हैं, और 40 साल के ऊपर की जो एज ग्रुप में मैमोग्राफी एक टेस्ट है जो किया जा सकता है, हर साल दो साल बाद मैमोग्राफी टेस्ट में कोई भी अगर गांठ बन रही है तो उसको जल्दी पकड़ सकते हैं। इसी तरह से एक यूट्रस के मुंह का, जो जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, उसका कैंसर भी बहुत कॉमन है महिलाओं में, इसको भी बड़ी जल्दी स्टेज में पकड़ा जा सकता है। उसके लिए एक बड़ा सरल पैप स्मियर नाम का टेस्ट है जिसको करवाकर इस कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और उसका भी क्योर संभव है। इसी तरह से मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर है जिसको एक PSA के टेस्ट से जल्दी पकड़ सकते हैं। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी शरीर में लक्षण हो, कहीं गांठ हो, कहीं पे कोई ब्लीडिंग हो, नाक से, मुंह से, गले से, अपने किसी भी जैसे पेशाब में खून आना, लेटरिन में खून आना, इन सब लक्षणों को जल्दी से जांच करवानी चाहिए। तो कुछ एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, इस तरह के टेस्ट, एक्सरे टेस्ट से हम लंग कैंसर को जांच सकते हैं, एंडोस्कोपी से पेट के कैंसर को पकड़ सकते हैं। सो कुछ ना कुछ जांच संभव है जिससे कि अर्ली स्टेज में इसको पकड़ लें। बट हम देखते हैं अपने क्लिनिक में कि रोज़ जो भी मरीज़ आते हैं, काफ़ी महीनों से प्रॉब्लम्स चल रही हैं पर वो अपना इलाज या टेस्ट नहीं करवाते हैं, डॉक्टर से के पास जाने का संकोच करते हैं, जल्दी टेस्ट करवाने से घबराते हैं। सो इस तरह से बीमारी जो है बढ़ जाती है, जितने महीने हम उसको इंतज़ार करते रहेंगे तो उसकी स्टेज बढ़ती जाएगी। तो अर्ली स्टेज में उसको पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है। और आज की डेट में बहुत साइंस ने तरक्की की है, हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है और लेटेस्ट मशीनें आ गई हैं, रेडियोथेरेपी में बहुत उसका विकास हुआ है, सर्जरी में बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं जिससे सर्जरीज बहुत आसान हो गई हैं और कम उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम हो गई हैं। तो इन टेक्निक्स का हमें लाभ उठाना चाहिए। और अब तो ऐसी दवाइयां आ गई हैं, पहले जैसे कीमोथेरेपी करते थे उससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, अब लेटेस्ट कुछ ऐसी टारगेटेड मेडिसिन और इम्यूनोथेरेपी की दवाइयां आ गई हैं जिससे कि साइड इफ़ेक्ट्स कम हो रहे हैं और मरीजों को लाभ ज़्यादा हो रहा है। इन दवाइयों से
टारगेटेड दवाइयाँ जो हैं वो जाकर कैंसर सेल्स के ऊपर ही ज़्यादा अटैक करती हैं और शरीर के जो नॉर्मल सेल्स हैं वो बच जाते हैं। इस तरह साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम और बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। पर टेक्नोलॉजी तो एक बाद की बात है, हमें उसको उसकी रोकथाम ही कर लेनी चाहिए। कैंसर बनने को रोकना ही हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी, बिकॉज हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम प्रिवेंट ही कर लें तो इन सब चीज़ों से, ये टेस्ट करवाने से, ये इलाज करवाने से, हर चीज़ से हम बच सकते हैं। और हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि ज़्यादातर हमारा ध्यान डॉक्टर्स का भी जो है, क्योंकि हमारी टीचिंग ऐसे है, सारी ट्रेनिंग ऐसे है कि सारा शरीर पे ध्यान ज़्यादा है और कहीं पर हम मन और आत्मा को भूल जाते हैं। सो एज़ कैंसर स्पेशलिस्ट, जो मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, अपने पेशेंट्स के साथ बातचीत की है, उनसे सीखा है, मुझे कई हद तक ये लगता है कि जो कैंसर है ये एक इमोशनल बीमारी है। पॉल्यूशन, डाइट, एक्सरसाइज, वो सब एक तरफ है, बट जो हमारी इमोशंस और फीलिंग्स हैं, जो हम स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं जीवन में, उसका एक बहुत बहुत बड़ा रोल है इस बीमारी को बनने में। अगर हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को सही ढंग से रखेंगे तो ये कई तरह की, ये इस तरह की बीमारियाँ होंगी ही नहीं, पैदा ही नहीं होंगी। बिकॉज जितना हम स्ट्रेस ले रहे हैं जीवन में, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी डाउन हो रही है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगी तो कैंसर सेल्स वैसे ही बच नहीं पाएंगे, हमारी इम्यूनिटी ही कैंसर सेल्स को ख़त्म कर देगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना कंडक्ट, अपने डेली रूटीन जो है उसमें कई ऐसी चीज़ों को अपनाएं कि हमारी इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं वो कंट्रोल में रहें, वो सही रहें, हमें बहुत ज़्यादा दुख ना देखना पड़े, बहुत स्ट्रेस ना लें, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होके अपने आप को परेशान ना रखें। और इसके लिए बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, एंड अगर हमें कुछ शब्दों में उसको कहना है कि हमें क्या करना है उसके लिए, डेट इज़ लव, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। इन तीन शब्दों को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं, इन सब चीज़ों को ठीक रख सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। तभी मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा यही संदेश देता हूँ कि लव क्योर्स कैंसर। सबको प्रेम करें और माफ़ करें। सबसे बड़ी, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे जीवन में, हमारे डेली रूटीन में और हमारे रिलेशनशिप्स में कि हम माफ़ नहीं करते हैं। अगर हम प्रेम और माफ़ी रखेंगे, फॉरगिवनेस रखेंगे, तो ये अंदर जमा ही नहीं होगा। ये स्ट्रेस प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे अंदर शरीर में, प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करेंगी। So we have to apply love and forgiveness to whatever we do. और इसी संदेश के साथ मैं अभी यहाँ पे रुकूँगा, अदरवाइज ऑर्गेनाइजर्स मुझे यू नो जबरदस्ती उतारेंगे। सो प्लीज़ अप्लाई इन योर ओन लाइफ लव एंड फॉरगिवनेस और इससे हम कैंसर ही नहीं सब बीमारियों से बच सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और कई बातें आज सीखने को मिल गई कि प्यार भी कीजिए और माफ़ भी कीजिए तो आप अच्छी ज़िंदगी जीते रहें।